Hello children, for class 3, today I will teach you forming 4-digit number. First, यहाँ देखेंगे oral work 1, 10, 100 and thousands. यहाँ पे 1 के लिए 1 box है, 10 के लिए 10, 100 के लिए 100 and 1000 के लिए 1000 box है. First question है, how many are there in a 10? 10 में कितने 1s होते हैं? तो 10 divided 1 is equal to 10, यानी के 1. एक टेंस में कितने वंस होते हैं? तो 10 वंस होते हैं. 10 वन टेंस में 10 वंस होते हैं. नेक्स्ट, हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 100? 100 में कितने टेंस होते हैं? तो 100 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू 10. नेक्स्ट, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 1000? थाउजेंड्स में कितने हंड्रेड्स होते हैं? तो 1000 डिवाइडेड 100 इज इक्वल टू 10. हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 1000? थाउजेंड्स में कितने टेंस होते हैं? तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 100. तो थाउजेंड्स में 100 टेंस होते हैं. नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, लुक एट द फॉलोइंग, 1000, 400, 3 tens, 7 ones. इसको हम लोगों को फॉर्मिंग करना है, डिजिट्स बनाना है, 4 digits नंबर. तो यहाँ हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे. 1000 है तो 1, 400 है तो 4, 3 tens यानी कि 30, 7 ones मतलब 7. तो 1437. वी से 1437, वी राइट 1437 और 1437. वी पुट अ कॉमा हियर, हम लोग 1 के बाद एक कॉमा डालेंगे और 437. या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ लिटिल स्पेस, छोटा सा स्पेस देंगे 1 के बाद, लेफ्ट साइड से 1 की तरफ से लेफ्ट है एंड 7 की तरफ से राइट. तो 1 के बाद हम लोग एक छोटा सा स्पेस डाल के भी उसको लिख सकते हैं. जैसे यहाँ देखेंगे, 1000, 1437. उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स देके समझाया गया है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे, ए 4 बॉक्स है यानी कि ये 4000 है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया. प्लस 100 प्लस 2 tens प्लस 5 ones. तो इसको हम लोगों को फॉर्मिंग डिजिट करना है, 4 digit का नंबर बनाना है. तो 4125, क्योंकि यहाँ पे 1000 प्लेस भी है, 100 प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है और वंस प्लेस भी है. तो इसमें क्या फॉर्म हो सकता है डिजिट? 4125. हम लोग बी देखेंगे, यहाँ 5000 प्लस 300 प्लस 4 ones. अब हम लोग यहाँ देखेंगे 1000 प्लेस है, 100 प्लेस है, बट यहाँ पे टेंस प्लेस नहीं दिया है, उसके बाद दिया है वंस प्लेस. तो हम लोग 5000 है तो 5, 300 है तो 3, टेंस प्लेस पे कुछ नहीं दिया है तो हम लोग वहाँ 0 लिखेंगे और प्लस 4 ones है तो हम लोग 4 लिखेंगे. तो यहाँ पे हम लोग क्या डिजिट बनाएंगे? 5304. नेक्स्ट देखेंगे सी नंबर, 2000 प्लस 400, उसके बाद ना ही टेंस प्लेस दिया है ना ही वंस प्लेस, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2400. इसी तरीके से हम लोग 4 digit का नंबर फॉर्म कर सकते हैं. देखेंगे कि कौन सा प्लेस नहीं दिया है. अगर वंस प्लेस नहीं दिया है तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस नहीं दिया है तो टेंस प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, 100 प्लेस नहीं दिया है तो 100 प्लेस पे 0 पुट करके हम लोग डिजिट बना सकते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट वेज टू राइट अ नंबर, हम लोग अलग तरीके से नंबर को, डिजिट्स को कैसे लिख सकते हैं. A 4-digit number, say 4789, can be written in 3 ways. इनको हम लोग 3 तरीके से लिख सकते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है 4789. एक्सपेंडेड करना है उसको. एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो 4 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो 4000 प्लस 7 जो है 100 प्लेस पे है तो 700, 8 इज टेंस प्लेस इज इक्वल टू 80 एंड 9 इज 1 प्लेस इज इक्वल टू प्लस 9. तो 4000 प्लस 700 प्लस 80 प्लस 9, उसका वर्ड फॉर्म हो जाएगा 4789. एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पे देके समझाया है, 4000 प्लस 300 प्लस 2 tens प्लस 5 ones. उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो सकता है? 4325
और उसका उससे एक्सपेंडेड फॉर्म पूछेगा तो 4000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 5 एंड उसका वर्ड फॉर्म पूछेगा, वर्ड फॉर्म या नंबर नाम एक ही चीज़ होता है, 4325। नेक्स्ट एग्जांपल है 2000 प्लस 410। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 100 प्लेस नहीं दिया है एंड वंस प्लेस नहीं दिया है, तो 2000 प्लस 410 यानी 2000 प्लस 40, तो ये 2040 हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2040। 2000 प्लस 0 प्लस 40 एक्सपेंडेड फॉर्म एंड 2030 इज अ वर्ड फॉर्म। उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस बुक्स में दिए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर ऑन द एबकस। लाइक थ्री डिजिट नंबर्स वी कैन शो फोर डिजिट नंबर आल्सो ऑन स्पाइक्स एबकस कंसिस्टिंग ऑफ फोर रॉड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट। द रॉड वुड रिप्रेजेंट थाउजेंड्स हंड्रेड टेंस एंड वंस। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एबकस दिया है, अ फ्यू नंबर्स आर शोन ऑन द एबकस, कुछ नंबर जो है वो एबकस में शो करके दिखाया है। फर्स्ट इज 5000, 5000 है यानी कि 1000 प्लेस पे 5 है, 100 प्लेस पे 0, 10 प्लेस पे 0 एंड 1 प्लेस पे 0 है। तो एबकस में शो करने के लिए यहाँ देखिए आप लोगों को दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, क्या 1000 प्लेस पे 5 है इसलिए एबकस में 1000 प्लेस पे 5 रॉड्स में 5 सर्कल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 5100। अब यहाँ देखेंगे 1000 प्लेस भी है और 100 प्लेस भी है, तो 1000 प्लेस पे 5 है तो 5 होगा और 100 प्लेस पे 1 है तो 1 होगा। यहाँ ना टेंस प्लेस दिया है ना ही वंस प्लेस, तो हम लोग एबकस में उसको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 5130। यहाँ देखेंगे 1000 प्लेस भी है, 100 प्लेस भी है एंड टेंस प्लेस भी है, बट वंस प्लेस पे 0 है, तो वंस प्लेस को हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज टेंस प्लेस पे 3 है तो हम लोग 3 देंगे, वंस प्लेस पे 1 है तो हम लोग 1 एंड 5000 प्लेस पे 5 है तो हम लोग 5 देंगे। नेक्स्ट है 5137। यहाँ पे वंस प्लेस भी है, टेंस प्लेस भी है, 100 प्लेस भी है एंड 1000 प्लेस भी है, तो वंस प्लेस पे 7 है तो हम लोग वंस प्लेस पे 7 सर्कल करेंगे। नेक्स्ट 3 प्लेस, टेंस प्लेस पे 3 है तो 3, वंस प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 1 एंड 1000 प्लेस पे 5 है तो हम लोग 5 करेंगे, तो 5137। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, एक्सरसाइज 1C। यहाँ देखेंगे एबकस में कुछ डॉट्स में नंबर्स सर्कल्स में बना के दिए हैं और वंस टेंस हंड्रेड एंड थाउजेंड प्लेस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट 2314, तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। दैट्स ऑल।